We only do this every 90 years. तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में 2019 में रिलीज हुई मिडसमर नाम की एक हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। इस मूवी के अंदर दिखाए गए सीन्स काफी ब्राइट और अट्रैक्टिव हैं, और इसलिए उन्हें देख के लगता है कि ये कोई हॉरर मूवी हो ही नहीं सकती है। लेकिन रियलिटी काफी डिफरेंट है, क्योंकि मूवी में कई सारे डिस्टर्बिंग सीन्स हैं और ऊपर से इस मूवी में कई सारे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो चलिए, अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम डैनी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि साइकोलॉजी की स्टूडेंट होती है। डैनी की एक बहन भी थी जिसका नाम टेरी था, और रिसेंटली टेरी ने खुद को और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स को पॉइजनस गैस की मदद से मार डाला था। और जब ये बात डैनी को पता चलती है तब वो काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली ही मारी जा चुकी थी। डैनी को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, और इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन को बुलाती है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन दोनों के रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे होते हैं। डैनी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, और वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन उसके इमोशंस को समझता ही नहीं था, और इसलिए उन दोनों के बीच दूरियाँ बढ़ने लगी थी। सीन चेंज होता है और हम क्रिश्चियन को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त मार्क, जॉश और पील के साथ पार्टी कर रहा होता है। क्रिश्चियन का दोस्त जो पील था, वो अपने गांव में होने वाले एक फेस्टिवल के बारे में सबको बताता है। इस फेस्टिवल का नाम मिडसमर था, जो कि 90 सालों में एक बार मनाया जाता था, और इसे हारगा कम्युनिटी के लोग मनाया करते थे। क्रिश्चियन और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो पील के गांव में इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए जाएंगे, लेकिन क्रिश्चियन इस बात को डैनी से छुपा लेता है। असल में क्रिश्चियन ने प्लान किया था कि वो अपने ट्रिप पे जाने से पहले डैनी से ब्रेकअप कर लेगा, लेकिन डैनी को इस फेस्टिवल के बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसलिए न चाहते हुए भी क्रिश्चियन उसे अपने साथ ले जाता है। वो सभी साथ में स्वीडन पहुंचते हैं और हारगा विलेज के अंदर जाते हैं। वो वहां पे पील के भाई से मिलते हैं, जिसने दो और फॉरेनर्स को बुलाया था जो कि लंदन से थे। ये दोनों कपल्स थे और इनके नाम साइमन और कोनी थे। पील का भाई सबको एक मेडिसिन देता है, जिसकी वजह से सबको हेलुसिनेशंस आ रहे होते हैं। डैनी को भी अपनी बहन टेरी का हेलुसिनेशन आता है। ये विलेज एक ऐसी लोकेशन पे था जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम दिन ही रहता था। सारे के सारे विजिटर्स एक सन के गेट के थ्रू उस विलेज के अंदर जाते हैं। हम देखते हैं कि उस विलेज के सभी लोगों ने व्हाइट ड्रेस पहन रखा होता है। वो सभी सारे के सारे विजिटर्स का स्वागत करते हैं। इसके बाद पील अपने सभी दोस्तों को विलेज का टूर कराता है। यहीं पे एक वॉल पे हम देखते हैं कि कई सारी लड़कियों की फोटोज होती हैं, और आगे पता चलता है कि ये सभी इस विलेज की क्वीन है। उन सभी लड़कियों के सर पे फ्लावर का बना एक ताज होता है। अगले दिन हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं, जिन्होंने पूरे विलेज के लोगों से काफी अलग कपड़े पहन रखे थे। उन दोनों को एक चेयर पे बैठा के एक हिल के पास लाया जाता है। सारे के सारे विलेजर्स एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, और इसके बाद वो दोनों बूढ़े लोग अपना हाथ काटते हैं। उनके हाथ से जो खून निकल रहा होता है, उसे वो एक पत्थर पे लगाते हैं जिसपे कुछ निशान बने हुए थे। निशान लगाने के बाद वो दोनों उसी पहाड़ी से नीचे कूद जाते हैं। इस जंप के अंदर वो बूढ़ी औरत तो मारी जाती है, लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा होता है। हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी का पैर बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था। वो बूढ़ा आदमी काफी दर्द में होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पे सरप्राइजिंग बात ये थी कि आसपास के जितने भी विलेजर्स हैं, वो सभी उसकी चीख को रिपीट कर रहे होते हैं। वो सभी विलेजर्स भी उसी के जैसे चिल्ला रहे होते हैं। इसके बाद एक दूसरा आदमी वहाँ पे आता है, और वो उस बूढ़े आदमी के सर पे एक हैमर से मार के उसे मार डालता है। ये सब कुछ देख के सारे विजिटर्स घबरा जाते हैं। वो सारे के सारे विजिटर्स वहां से जाना चाहते थे, लेकिन उस विलेज की जो लीडर होती है वो उन्हें समझाती है। वो कहती है कि हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से हर इंसान की लाइफ 72 इयर्स की है, यानी कि कोई भी इंसान अगर 72 साल का हुआ तो फिर उसे खुद से सुसाइड करना पड़ेगा। और हारगा विलेज में ये काफी नॉर्मल सी बात थी। सारे के सारे विजिटर्स वहां पे रुकने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुके थे। साइमन और कोली काफी ज्यादा डर चुके थे, और वो इस गांव को छोड़ के तुरंत ही निकलना चाहते थे। कोनी जब पैकिंग करके बाहर आती है, तो वो साइमन को मिसिंग पाती है। उसे विलेज के एक आदमी से पूछती है, जो कि उसे बताता है कि साइमन पहले ही इस गांव को छोड़ के जा चुका है। कोनी को ये बात थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगती है, क्योंकि साइमन ऐसा कभी भी नहीं करता था। और इस बात से हमें पता चलता है कि विलेजर्स ने साइमन को मार डाला है। कोनी अकेले ही वहां से निकलने का फैसला करती है, और जब वो थोड़ा दूर निकलती है तब हमें किसी औरत की चीख सुनाई देती है, यानी कि कोनी भी मारी गई। डैनी भी इन सब से डिस्टर्ब हो चुकी थी, और वो भी इस गांव को छोड़ के जाना चाहती थी। लेकिन तभी पील वहां पे आता है, और वो डैनी को किसी तरह गांव छोड़ के जाने से रोक लेता है। इसके बाद वो सभी विलेजर्स उस ओल्ड कपल की डेड बॉडी को जला देते हैं, और उनकी जो राख थी वो उसे एक पुराने पेड़ पे डाल देते हैं। असल में सभी विलेजर्स इस पेड़ को काफी पवित्र मानते थे। आगे हम मार्क को देखते हैं,
जिसे इस पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और इसीलिए वो गलती से इसके ऊपर यूरिनेट कर देता है। सारे के सारे विलेजर्स ये देख के काफी गुस्सा हो जाते हैं। पील उसे बताता है कि ये पेड़ काफी पवित्र था और इस विलेज के लोग उसकी पूजा किया करते थे। मीनवाइल हम जॉश को देखते हैं जो कि इन सभी विलेजर्स के लाइफस्टाइल पे एक बुक लिख रहा होता है। वो उसी विलेज के एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो कि उसे एक बुक दिखाता है। वो कहता है कि ये बुक काफी पुरानी है और इसके अंदर हमारे रिचुअल्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जॉश उस बुक की एक फोटो खींचना चाहता था लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे साफ इनकार कर देता है। आगे वो सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं और तभी एक लड़की आती है जो कि मार्क को अपने साथ ले जाती है। और जैसा कि आपने देखा था कि मार्क ने उनके एंशिएंट पेड़ पे यूरिनेट करके काफी बड़ी गलती की थी और इसलिए वो लड़की मार्क को ले गई ताकि उसे पनिशमेंट दी जा सके। उसी रात हम जॉश को देखते हैं जो कि छुप के उस टेंपल के अंदर घुस गया होता है। वो वहाँ पे उनके हॉली बुक की फोटो खींचने के लिए आया होता है लेकिन तभी उसके पीछे एक आदमी आता है जिसने मार्क के चेहरे की स्किन लगा रखी होती है, यानी कि मार्क मारा जा चुका है। जॉश को लगता है कि वो मार्क है लेकिन तभी एक दूसरा आदमी उसके पीछे आता है और उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। जॉश के बेहोश होने के बाद वो आदमी उसके पास आता है और अब हम मार्क के चेहरे की स्किन साफ साफ देख सकते हैं। अगले दिन फाइनली मिडसोमर फेस्टिवल का टाइम आ चुका होता है। वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उन सभी को एक ड्रिंक दी जाती है जिसके अंदर ड्रग्स होते हैं। उस ड्रग की वजह से सब के सब नशे में होते हैं और डैनी भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद वो सारी लड़कियां सर्कल बना के एक पेड़ के आजू बाजू खड़ी हो जाती हैं। वो सभी साथ में डांस करने लगती हैं। ये मिडसमर फेस्टिवल इस विलेज की क्वीन को डिसाइड करने के लिए था और जो भी लड़की देर तक डांस करती रहेगी और आखिरी में बचेगी वही इस विलेज की रानी बनेगी। फेस्टिवल के एंड में सिर्फ डैनी बची होती है और क्योंकि उसने इस फेस्टिवल को जीत लिया था इसलिए उसे यहाँ की क्वीन बना दिया जाता है। उसके आसपास के सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसी दौरान हम क्रिश्चियन को देखते हैं जिसे एक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। क्रिश्चियन को ड्रग्स दिए जाते हैं और उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है। असल में क्रिश्चियन को इस विलेज की एक लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए भेजा गया होता है। तभी डैनी वहां पे आ जाती है और वो डोर से क्रिश्चियन को देख लेती है। डैनी ये सब देख के काफी अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। डैनी के आसपास जितनी भी लड़कियां होती हैं वो उसे संभालती हैं और उसी की तरह रोने लगती हैं, जो कि देखने में काफी अजीब सा लगता है। क्रिश्चियन जब उस कमरे से बाहर निकलता है तब वो किसी का कटा हुआ पैर पाता है और ये पैर और किसी का नहीं बल्कि जॉश का था, यानी जॉश भी मारा जा चुका है। क्रिश्चियन एक घर के अंदर जाके छुप जाता है और उसे वहां पे एक और डेड बॉडी मिलती है और ये डेड बॉडी साइमन की थी। साइमन को मार के किसी बर्ड की तरह सजा दिया गया था। इससे पहले कि क्रिश्चियन को समझ पाता एक दूसरा आदमी वहां पे आता है और वो उसके चेहरे पे कोई पाउडर डाल देता है। क्रिश्चियन उस पाउडर की वजह से बेहोश हो जाता है। अगले दिन हम डैनी को देखते हैं जिसके लिए एक फ्लावर की ड्रेस बनाई गई होती है। उस विलेज का बूढ़ा आदमी डैनी को बताता है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहे हैं। वो कहता है कि इस फेस्टिवल में वो सभी 9 लोगों को सेक्रीफाइस करते हैं जिनमें से 4 बाहर से आए लोग होते हैं और 4 इसी विलेज के। पहले ही 2 विलेज के लोग और 4 बाहरी लोगों को मार दिया गया था, यानी कि अब सिर्फ 3 लोग बचे थे जिनमें से 2 विलेजर्स होने वाले थे और आखिरी बचे बंदे का डिसीजन क्विन के हाथ में होगा, यानी कि क्विन अब डिसाइड करेगी कि आखिरी सेक्रीफाइस किसका होगा, क्या वो क्रिश्चियन होगा या फिर कोई विलेजर। डैनी काफी दुखी होती है और वो रोने लगती है और डिसाइड करती है कि आखिरी सेक्रीफाइस क्रिश्चियन का होगा क्योंकि क्रिश्चियन ने उसे चीट किया था। इसके बाद वो सभी विलेजर्स क्रिश्चियन को एक बियर की स्किन में फिट कर देते हैं। वो अब तक मारे सभी लोगों को एक कमरे में रखते हैं। क्रिश्चियन को भी वहीं पे रखा जाता है और 2 जिंदा विलेजर्स भी वहीं पे होते हैं। उन सभी को उस घर के अंदर रख के बाहर से आग लगा दी जाती है और अंदर जितने भी लोग जिंदा जल रहे होते हैं वो सभी जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। बाहर हम देखते हैं कि सभी के सभी विलेजर्स उनकी नकल उतार रहे होते हैं, वो उन्हें कॉपी कर रहे होते हैं और दर्द में होने की एक्टिंग भी कर रहे होते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हम डैनी को देखते हैं जो कि स्माइल कर रही होती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मिडसमर फेस्टिवल के रिचुअल पे डिटेल में कोई वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट करके बताएं, मैं जल्दी उस वीडियो को लाने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।